मैं भी दिल्ली में पैदा हुई, ट्रांसजेंडर यानी किन्नर सा, मेरा जन्म किन्नर से हुआ और वाल्मीकि परिवार में मेरा जन्म हुआ। पिताजी की इतनी बड़ी आय नहीं थी, फोर्थ क्लास के नौकर थे। तो जब हमारे समाज को सब बीच में ही इज्जत नहीं मिलती, उसमें से मैं किन्नर होने के बाद तो मुझे कितनी परेशानी होती होगी। मैंने अपने मेरे परेशानियों का वो देखा, घर देखा, तो मैंने अपने किन्नर समाज की तरफ जाना क्या वो कर लिया। तो किन्नर समाज में भी जातिवाद है, उधर भी हिंदू मुसलमान है, और एक तो मैं गरीब का बच्चा, ऊपर से वाल्मीकि, तो मेरे पे क्या बीती होगी ये आपको नहीं पता। भवानी माँ ऐसे ही नहीं बनी, 32 साल लगे हैं भवानी माँ बनने में। 13 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ा, किन्नर समाज में गई। किन्नर समाज में जाके मुझे पता चला कि मैं वाल्मीकि और दलित भी हूं, क्योंकि 13 साल की उम्र के बच्चे को रोटी और सर पे छात चाहिए। और जब मैं किन्नर समाज में जाती हूं तो किन्नर समाज की गद्दी इस्लामी थी, तो वहां पे मुझे इस्लाम कबूल करना पड़ा। तो मैंने 2012 में हज की भी यात्रा करी है, वहां से आ जाती हूं तो फिर वही दलित का टैग, ये भंगी का इतना बड़ा मुसलमान कैसे बन गया। तो फिर वापस मैं हिंदू बनती हूं, यानी कि हिंदू मुसलमान बनना कागजों पे बहुत आसान है, लेकिन दलित कोई नहीं बन सकता। दलित वो है जो मरते तक अपने साथ रहता है, जात बदल सकती नहीं है, धर्म बदल सकता है। और बाबा साहब ने वो दिया है जो शायद आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ललूटिया भाई, आप शायद मुझे पहचाने नहीं है, मैं चौधरी प्रेम सिंह जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उस समय अध्यक्ष होया करते दिल्ली प्रदेश के, उस समय मैंने सबसे पहली किन्नर थी जिसमें कांग्रेस की सदस्यता ली थी। वहां पे जाती हूं तो वहां पे होता है जी आप किन्नर हो, क्योंकि मेरे समाज में सिर्फ दो ही जेंडर थे, मेल और फीमेल, ट्रांसजेंडर नहीं था। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने वो संविधान में ताकत दी, हमने 2007 में पेटिशन डाला और तीसरा जेंडर लेके दिखाया। 2014 में आदर्श का जो कॉलम है वो हमने लिया। हम कहने को हिंदू भी नहीं लिख सकते कि स्वर्ण लिखने का अधिकार हमें नहीं है। आज तक हमारे को आरक्षण मिलता था, फोर क्लास की नौकरी मिलती थी, छठा पे कमीशन आया, हमारी 7-8 हजार से तनख्वाह में 30-35 हजार हो गई, और हमारे जितने फोर क्लास भाई थे उन्हें सरकारी मकान मिलने लगे, सरकारी कॉलोनियों में चले गए, तो एक एक घर में दो दो तीन तीन सरकारी नौकर थे, सफाई कर्मचारी थे, तो तनख्वाह ज्यादा हुई तो उन्हें फोर क्लास ही खत्म कर दी। आरक्षण के लिए बोलते हैं, मेरे आरक्षण से डर नहीं था उन्हें, आरक्षण से डर जब हुआ जब गुर्जरों ने आरक्षण लिया। जाट आरक्षण के बाद आरक्षण गाली कौन खाता है, चूड़ा चमार, कि हम चूड़े चमार ही आरक्षण लेते हैं। वो 6,500 जातियों का कोई गिनती नहीं गिनेगा हमें, जब तक हम कहते कि राजनीति है, राजनीति में मतभेद हो सकते, मन भेद तो मत करो। तो इसलिए कि पार्टी बंदी करके किसी के पीछे दरी बिछाने से अच्छा है कि अपना समाज का कोई भी किसी पार्टी से खड़ा होता है भाई उसे जिताओ। मैं किन्नर होकर 3 सर्टिफिकेट ले चुकी, मुसलमान बनी मैंने हज करा, फिर हिंदू बनी महामंडलेश्वर बनी, 2019 में मैंने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा है आम आदमी पार्टी से, वो भी जनरल सीट पे जाके। हम एससीओ पे इतनी ताकत है कि हम जनरल पे लड़ सकते हैं, हम उस सीट पे लड़ सकते हैं, ये हमारा संविधान ने अधिकार दिया, इस अधिकार को पहचानो। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की सबको एक मिलके बनानी चाहिए, जब तक तुम अपनी ताकत एकता में नहीं जोड़ोगे बटते चले जाओगे, और बटने से कुछ नहीं मिलेगा, शोषण होता आया है और शोषण ही करवाते चले जाओगे। क्या तुम सिर्फ पूरे के देख लो, टॉयलेट करने बेटा बेटी मार दिए जाते हैं, मरता हमेशा दलित है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता है,
बस्ती दलित की जलती है, बहन बेटियों की इज्जत दलित की लुटती है, मूछ नकने से दलित को रोका जाता है, घोड़ा पालने से दलित से रोका जाता है। मैं अभी की बताऊंगी से 2019 और 20 की सारी घटनाओं का मैं उल्लेख कर रही हूँ। और जब मैं लोकसभा लड़ने गई थी इलाहाबाद प्रयागराज से, तो आज भी ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं कि वहाँ पे तुम्हें जिनके जात नहीं पूछना उनके कपड़ों से पता चल जाता है। दलित होगा तो घुटने से ऊपर लुंगी बांधेगा, दलित की महिला ब्लाउज नहीं पहनेगी। उस 200 लोगों के बीच में एक एक वर्मा है। जब वो जगह भर जाती है ना तो 8 किलोमीटर से पानी लाते हैं। गुजरात में कहते हैं जी इतिहास बहुत बड़ा है, आज भी वहां पे ये है कि कुएं के पास दलित बैठ जाता, जब तक ऊंची जात का नहीं आता पानी नहीं दिया जाता। ये सच्चाई है। और हम मंत्री बन जाते हैं, हम ये बन जाते हैं, लेकिन बनने के बाद सिर्फ गुलाम बनते हैं। जब तक हम बनने के बाद गुलामी की जंजीर नहीं तोड़ेंगे, जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। मैं किन्नर होके मैं तो समझ गई कि अहम क्या होता, अहंकार क्या होता है। अब आपको जगना है।